गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ मैथ यूनिट वन की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो टाइप्स के टॉपिक्स रहते हैं। तो पहला टाइप है प्राइम फैक्टर्स और दूसरा है एलसीएम एंड HCF। तो प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं? तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर में पहला आता है हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल में आए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, सो ऑन, ये सारे के सारे अपने ही टेबल में आते हैं। तो फैक्टर्स, दूसरा आ गया फैक्टर्स। फैक्टर्स वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा मल्टीपल्स बनाए, या 6 आ गया 3 × 2 × 1। तो ये फैक्टर्स थे। तो अब हम सेकंड इसका टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम हम क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 रहता है हमारी एक्सरसाइज का, प्रोडक्ट निकालना हमें प्राइम फैक्टर से, ऐसे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स बने। तो पहला पार्ट है 140। हमने इसका एलसीएम लिया 140 का। 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 140 एक इवन प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर। 2 से किया 2, 7 जा 14, 0, 2 से किया 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 35, 5 से किया 7 जा, तो 7 बन जा 7। तो 140 के हमने फैक्टर्स बना लिए, बेस सेम हो पावर्स को ऐड किया और 5 और 7। तो प्रॉपर्टी लगाई a रेस्ट पावर m मल्टीप्लाई रेस्ट पावर n, m प्लस n होता है जिस भी टर्म डिजिट में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कहते हैं। तो यहां पे 2 × 2 था, जब जिस किसी भी टर्म के पावर्स अलग अलग दिए हो और बेस क्या हो, सेम, बेसिस ये होते हैं ये, तो बेस सेम हो तो हम पावर्स ऐड करते हैं। तो 2 × 2 लिखा, तो इसके ऊपर कुछ नहीं था तो हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो इसमें तो ये बेस है और 1 पावर है। ओके, तो इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास वो है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है 156। तो अब 156 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो बन जाएंगे जल्दी जल्दी। 2 से किया 2, 7 जा 14, 2, 8 जा 16, फिर अगेन 2 से किया 2, 3 जा 6, 2, 9 जा 19, 3 से किया 3 जा 19, 13 से कर दिया। तो 2 × 2 × 3 × 13। तो अभी भी बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो ये आ गया। नेक्स्ट रहता है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है 25। अगेन हम एलसीएम लेंगे 3825 का। तो हमारे पास पहले हम चेक करेंगे कि ये 3 से जाता है कि नहीं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया,
टर्म्स को ऐड करते हैं, 3 + 8 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 5 = 18, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 2, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, अगेन 3 × 3 = 12, 15, फिर हम इसको 5 से कर रहे हैं, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, फिर 17 से, ये आ गया हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 raised to power 2, 5 raised to power 2 और 17, ओके। इसी के साथ जो बाकी बचे हुए पार्ट भी ऐसे होंगे, तो हम अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें LCM × HCF = product of 2 numbers, हमें ये निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 26 and 91, तो इस टाइप में हम पहले सिंपल मल्टीपल्स बना लेते हैं, 2 × 13 = 91 का 7 × 13, ये मल्टीपल्स बनाए हमने टेबल से, ठीक है। और HCF, तो इसका HCF क्या आएगा, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो चेक किया कि कॉमन क्या आ रहा है और साथ में बड़ा भी होना चाहिए, तो 13 आ रहा है, 13 HCF आ गया, तो LCM, तो LCM निकालने के लिए हम सारे के सारे जो मल्टीपल होंगे उनको राइट करेंगे, पर वो रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे 2 लिख दिया, 7 लिखा, 13 लिखा, और इसका आंसर आ गया 182, मल्टीप्लाई किया सिंपली, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रहेगा 26 × 91, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 को, 6 × 2 = 4, आंसर आ गया 2366, क्या 2366, तो इसी के साथ इसका एक और पार्ट रहता है HCF × LCM, तो हमारे पास HCF की वैल्यू 13 है और LCM की 182 है, HCF की वैल्यू 13, HCF की 182, हमने 13 × 182 किया तो भी हमारे पास आंसर यही आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसी का दूसरा पार्ट है, दोबारा से सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हमने सॉल्व 510 and 92, तो 510 के मल्टीपल्स बनाने हैं और 92 के, 510 के तो नहीं बन पाएंगे, तो हमें क्या करना है, अब LCM लेना है, 2 से क्या 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 के बाद 3 से 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, फिर 5 से फिर 17 से, तो 2 × 3 × 5 × 17, तो अब 92 के हमें सिंपली पता है क्या होते हैं, 2 × 2 × 23, पर चेक भी कर लेते हैं, 92, 2 से किया 2 × 4 = 8, चेक कर रहे हैं, ठीक है, 2 × 6 = 2, 2 × 2 = 2, 3 × 23, एक प्राइम नंबर है तो सॉरी 1 है, ठीक है। तो HCF अब चेक करो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और बस 2 का 2 ही कॉमन आ रहा है, 1 लिख दिया, तो 2 × LCM,
तो एलसीएम ऐसे होगा कि हम सारे के सारे टर्म्स सिंगल सिंगल लिख लेंगे, टू मल्टीप्लाई एक बार टू, एक बार टू, और थ्री और फाइव, 17, 23, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करने पे 2, 3, 4, 6, 0 आता है। चेक करें, अब प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों का 510 मल्टीप्लाई 92, तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वाले पेज पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 510 और 92 को मल्टीप्लाई किया तो 2 को 0, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 9, 9 5 जा 45, 02964। तो क्या गया इसका आंसर? 46920 या गया, ठीक है। तो अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट रह गया, एलसीएम मल्टीप्लाई एससीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एससीएफ करेंगे, तो चेक कर लेते हैं कि एलसीएम की वैल्यू क्या रही। हमारे पास इस क्वेश्चन में एससीएफ की वैल्यू 2 और एलसीएम की वैल्यू 23460। तो 2 मल्टीप्लाई 23460 मल्टीप्लाई क्या 02964, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट और दोनों की वैल्यूज क्या हैं, सेम है। इसका एक और पार्ट रहता है, वो आप लोग खुद करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 3। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने अभी पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो पहला क्वेश्चन रहता है 2, 12, 15 एंड 21। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सारे के सारे सिंपल और स्मॉल हैं, टर्म्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 15 किसके टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई 5, 21 3 मल्टीप्लाई 7। तो इस वाले का तो बन गया 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3, इसको एज इट इज लिखा, इस वाले को 3 मल्टीप्लाई 7। तो एस सी एफ क्या रहता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सब में 3 आ रहा है तो 3 एस सी एफ। एलसीएम, एलसीएम क्या रही, तो हम सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2, 15, 21, 2 से किया 6, 15, 21, 2 से किया 3, 15, 21, 3 से किया 1, 5, 7, फिर 5 से, फिर एट लास्ट 7 से कर दिया। तो क्या गया एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 35 36 मल्टीप्लाई 35। सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ स्पेस है, इधर कर लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई 36 5 30 3 कैरी 18 और 3 21 15 1 कैरी 9 और 10, तो 0621। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ यहाँ सिर्फ एक ही 3 आएगा और यहाँ 3, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई भी गलत हो गया,
तो यहाँ 3, तो 4 3 12 35, तो 12 5 60 होता है, तो 6 कैरी बचा, ये आ गया आंसर। ओके, ये वाला दोबारा से देख लेंगे। 12 15 21 था, हमने 12 का मल्टीपल्स लिए, 15 के मल्टीपल्स लिए, 21 के मल्टीपल्स लिए, तो इनमें एचसीएफ 3 रहा क्योंकि 3 सब जगह आ रहा है। एलसीएम निकाला, तो एलसीएम के 2 2 दो बार था, 3 5 7 सब कुछ मल्टीप्लाई, 2 2 4 3 5 7 35, 4 3 12 35, और इसको मल्टीप्लाई किया 420 आ गया। ओके, अब इसी के साथ जो नेक्स्ट रहता है हमारा वो रहता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 17 23 and 29। ओके, तो हमारे पास 17 का, तो 17 मल्टीप्लाई 1, 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 भी क्या है का प्राइम नंबर, तो 29 मल्टीप्लाई 1, तो एचसीएफ तो अब डायरेक्ट दिख रहा है कि सब जगह कॉमन 1 आया है, तो 1 होगा, और एलसीएम रहेगा हमारे पास 17 23 29, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 23 9 3 27 प्लस 27 में हम 8 ऐड करेंगे, तो 35 आएगा, टू वन जार टू, टू नाइन जार 18, 1 2 6 और 7, 9 3 3 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है।